नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 मई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए तीसरे अपडेट के अनुसार 180 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 2574 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो रोहतास में 11, कैमूर में 3, अरवल में 7, जहानाबाद में 2, नवादा में 12, औरंगाबाद में 2, नालंदा में 3, गोपालगंज में 3, कटिहार में 38, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 6, मधुबनी में 3, खगड़िया में 2, बांका में 21, मुंगेर में 6, शेखपुरा में 3, समस्तीपुर में 3, जमुई में 1, लखीसराय में 1, पूर्णिया में 8, भोजपुर में 1, सिवान में 2, पटना में 4, सुपौल में 2, मुजफ्फरपुर में 2, वेस्ट चंपारण में 2, ईस्ट चंपारण में 11, गया में 3 और सारण के 6 मामले मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दी ईद की शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई। आज पूरे देश भर में ईद का त्यौहार अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ईद उल फित्र के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों और विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देने के क्रम में कहा है कि आप सब लोग घर के अंदर ही इबादत करें, आपके सहयोग से ही कोविड 19 से निपटने में सफलता मिलेगी। ईद के अवसर पर की गए अपने अपने घरों में नमाज अदा करने की अपील। आज हर्षोल्लास के साथ बिहार में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद के मौके पर सभी लोगों से बंद के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं सबसे घरों में ही नमाज अदा करने का आदेश जारी किया गया है। बंद को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार के इमारत शरिया समेत कई संगठनों ने सभी लोगों से अपील करते हुए ईद की नमाज के लिए ईदगाह या फिर मस्जिदों में नहीं जाने की अपील की है, जिसके तहत मुस्लिम संगठनों का कहना है कि पूरे रमजान लोगों ने अपनी इबादत घर पर ही की है और ईद की नमाज भी वह घर पर ही अदा करेंगे। कोविड 19 से बिहार में 702 लोग हुए स्वस्थ। बिहार में जितनी तेजी से कोविड 19 फैल रहा है, उतनी ही तेजी से ठीक होने वालों के आंकड़े में भी इजाफा देखा गया है। वहीं बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में 702 लोग कोविड 19 से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। हालांकि अस्पताल से बाहर निकलने वाले लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट रखने की नसीहत दी है। वहीं बिहार के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा रखी है। कोविड 19 की वजह से बिहार में 13वें व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत बीते दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में 13वें व्यक्ति की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार पटना के NMCH में कोविड 19 प्रभावित व्यक्तियों का इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान इस व्यक्ति की जान चली गई। खबरों की माने तो यह व्यक्ति पहले से ही कई सारी समस्याओं का इलाज करवा रहा था। हवाई यात्रियों की ई टिकट ही होगा वाहन पास। हवाई यात्रियों के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल द्वारा दूसरी दिशा निर्देश जारी कर दी गई है, जिसके तहत हवाई यात्रियों का एयर टिकट भी वाहन की पास की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके तहत अब यात्रियों को किसी भी वाहन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए किसी दूसरे पास की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने उक्त जानकारी अधिकारियों के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दी है, जिसके बाद आज से शुरू हो रही हवाई सेवा में इन नियमों का पालन किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत 132 यात्री पहुंचे बिहार। केंद्र सरकार ने बीते दिन दूसरे देश में फंसे यात्रियों की बिहार वापसी के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत बीते दिन यात्रियों से भरा विमान गया पहुंचा, जिसमें 132 यात्री बिहार पहुंचे हैं, जिसके बाद गया एयरपोर्ट पर कमिश्नर ने उनका स्वागत किया, जिसके साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। जांच करने के बाद यात्रियों को बोधगया के एक होटल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हालांकि सिर्फ उन्हीं यात्रियों को क्वारंटाइन में रहने का आदेश जारी किया गया, जिनमें कोविड 19 होने की आशंका जताई गई है। बिहार सरकार कर रही है हर दिन 5000 जांच की तैयारी। कोविड 19 बिहार में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार अब पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत बिहार सरकार ने बिहार में कोविड 19 जांच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल जांच की संख्या 3000 के लगभग है। अब स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 5000 सैंपल की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में प्रवासियों के आगमन के बाद उनकी सेहत की जांच को लेकर स्वास्थ्य संसाधन में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। फिलहाल पुराने और नए जिलों में जांच की सुविधा प्रदान की गई है। बिहार सरकार ने डाक विभाग के साथ लीची बेचने की शुरू की नई पहल। बिहार सरकार और डाक विभाग के उत्पादकों को राहत देते हुए घर घर लीची पहुंचाने की मुहिम को तेज किया है, जिसके तहत अब किसी भी आम नागरिकों को लीची खाने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शाही लीची अब घर घर पहुंचाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी डाक विभाग ने ली है। जिसके तहत डाक विभाग ने यह बताया है कि यह सुविधा फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इन तीन जिलों में लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए अब सभी को horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑर्डर देना होगा। रविशंकर प्रसाद ने ज्योति की मदद के लिए किरण रिजिजू से की गुहार। केंद्रीय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन हरियाणा से बिहार के दरभंगा जिले पहुंची ज्योति की मदद के लिए अब किरण रिजिजू से संपर्क किया है। इसके तहत रविशंकर प्रसाद ने 15 वर्षीय ज्योति कुमारी को साइकिलिंग में प्रशिक्षण दिलाने में मदद का अनुरोध किया है, जिसके बाद किरण रिजिजू ने अपना जवाब जारी करते हुए बताया है कि अगर ज्योति में साइकिलिंग की संभावना दिखती है तो जल्द से जल्द उन्हें राष्ट्रीय साइकिलिंग अकेडमी में प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। आपको बता दें, 15 साल की ज्योति ने बंद की वजह से परेशान होकर अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। ईद के मौके पर क्वारंटाइन सेंटरों में खास भोजन की व्यवस्था करने का जारी किया गया आदेश। ईद के मौके पर बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर आज विशेष व्यवस्था के तहत विशेष भोजन बनाए जाएंगे, जिसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार कोविड 19 को लेकर पूरे देश में बंद है। इस दौरान दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को ईद के मौके पर विशेष भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। प्रवासियों का रोजगार सर्वे करवाने का जारी किया गया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजदूरों से बात कर रहे हैं। वहीं बार बार अधिकारियों को मजदूरों के स्किल का हिसाब से उन्हें रोजगार मुहैया कराने का भी आदेश जारी किया जा चुका है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार 10 जिलों में 16 क्वारंटाइन केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया है और वहां रह रहे प्रवासियों से बातचीत की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि सभी को यहीं रोजगार मिले, किसी को अकारण बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। स्वराज इंडिया ने मकई के किसानों को लेकर किया खुलासा। स्वराज इंडिया ने बिहार के मकई किसानों को लेकर कई सारी बातें सामने रखी हैं, जिसके तहत उन्होंने मकई किसानों को हो रही परेशानी के खिलाफ आवाज उठाए हैं और सरकार से सीधे खरीदने की मांग की है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इस बाबत कहा है कि भुगतान का एक हिस्सा केंद्र सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के तहत करे और बाकी कीमत बिहार सरकार दे, क्योंकि कोविड 19 की वजह से बाजार में मांग रुक गई है और बिहार में बड़े पैमाने पर मकई की उपज इस बार हुई है। पिछले साल किसानों ने 2000 प्रति क्विंटल पर मकई की बिक्री की थी, वहीं इस साल 1000 से 1100 रुपए में भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में बिहार के लिए रोजाना चलेंगी सैकड़ों ट्रेन। कोविड 19 के कारण बंद में हजारों प्रवासी अलग अलग राज्यों में फंसे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इन सभी प्रवासियों को इनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अनुमति दी थी, जिसके बाद रेलवे के लगातार प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेलवे मंत्रालय ने अगले 10 दिनों में देश भर में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन का ऐलान जारी किया है, जिसमें से लगभग 150 और ट्रेन हर दिन बिहार आएंगी, जिसके बाद लाखों श्रमिक बिहार में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बिहार में नए उद्योग लगाने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन लगातार तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी मजदूरों से बातचीत की थी, साथ ही क्वारंटाइन केंद्रों पर जारी व्यवस्था का भी आकलन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मजदूरों से बातचीत करके बिहार में कपड़ा, जूता, बेड, फर्नीचर, साइकिल से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है, बाजार की जरूरत के अनुरूप उद्योग लगाने के लिए लोग आगे आएं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी, जिससे कि बाजार का भी विकास होगा और लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। साइकिल चलाकर दरभंगा पहुंची ज्योति की पढ़ाई का जिम्मा लिया है विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने। बिहार के योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने दरभंगा की बेटी ज्योति को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मंत्री ने ज्योति की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का भी ऐलान जारी किया है। बिहार सरकार द्वारा बीते दिन 9वीं कक्षा में ज्योति के नामांकन करवाए जाने के बाद अब उसकी पढ़ाई में लगने वाले सारे खर्च को उठाने की जिम्मेदारी विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने 50,000 की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान जारी किया है। बिहार में आए मजदूरों में 1600 निकले प्रभावित। बिहार में कोविड 19 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जब से प्रवासियों की आवाजाही शुरू हुई है, तब से मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में अब तक 2500 से ज्यादा प्रभावित पाए गए हैं, जिनमें 3 मई से बीते दिन तक 1599 प्रवासी कोविड 19 से प्रभावित पाए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर के दिल्ली से आने वाले प्रवासियों का नाम शामिल किया गया। हालांकि बिहार में अब तक 702 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बीपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। कोविड 19 की वजह से बिहार समेत पूरे देश में होने वाले परीक्षाओं की तारीख में फेरबदल की गई है। इसी के तहत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है, जिसके लिए उम्मीदवार 3 जुलाई तक अब आवेदन भर सकते हैं। 8 जुलाई तक एग्जाम फीस जमा करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है, जिससे कि अब तक जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं भरा है लेकिन आवेदन भरने के इच्छुक है, वह बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ज्ञात हो, बीपीएससी ने इससे पहले भी तारीख को लेकर के अपडेट जारी किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से तारीख में फेरबदल की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के नाम पर गलत ट्विटर अकाउंट आया सामने। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के नाम पर सोशल मीडिया पर गलत अकाउंट बीते दिन चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी अब जाकर के स्वास्थ्य विभाग को मिली है और स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में इस मामले पर संज्ञान दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी आम नागरिकों से इस बात को लेकर के सूचना जारी कर दी है कि बिहार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के नाम पर गलत अकाउंट चलाया जा रहा था, इसलिए गलत अकाउंट से जो भी जानकारी दी जा रही है उसको सही नहीं माना जाए।
पटना में कोविड 19 मरीजों की संख्या बढ़ी। पूरे बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में भी कोविड 19 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए तीसरे अपडेट के अनुसार पटना में 4 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद पटना में प्रभावितों की कुल संख्या 200 पर पहुंच गई है। हालांकि 200 में से 83 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप फिलहाल पटना में 115 केस एक्टिव है। बिहार के करोड़ों महिलाओं के जनधन खाते में दिए गए 500 रुपए, उक्त ऐलान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के इस माहौल में 6024 करोड़ से ज्यादा में मुफ्त अनाज का वितरण किया जा चुका है। वहीं 4,17,00,000 गरीब जनधन खाते में महिलाओं को मदद पहुंचाई गई है। इतना ही नहीं, किसानों को बिना किसी बिचौलिए के संपर्क के 5,719 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में दी गई है, जिससे गरीबों को काफी ज्यादा राहत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीते 3 महीने में अप्रैल से लेकर जून तक 500 रुपए की मदद से 11 करोड़ लोग इसे सीधे लाभान्वित हुए हैं। बिहार के मजदूरों के लिए फरिश्ता बनकर उतरे सोनू सूद। बंद के बीच प्रवासियों की अलग अलग राज्यों में फंसे होने की खबर सामने आई है। इसके बाद अन्य राज्यों में बिहार के मजदूर भी लगातार वापसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए सोनू सूद फरिश्ता बनकर उतरे हैं। बिहार के दरभंगा जिले के 5 मजदूर मुंबई में फंसे हुए थे, जिन्होंने बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर से लेकर महाराष्ट्र सरकार के पास दर्जनों बार गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने सोनू सूद से मदद मांगी। जिसके बाद सोनू सूद ने उनके ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहा है कि परसों अपनी माँ की गोद में सोएगा मेरे भाई, सामान बांध, अम्मी अबू से कह दो जल्दी मिलते हैं। सिर्फ इन 5 मजदूरों ही नहीं बल्कि सोनू सूद ने कई बिहारियों को बिहार वापस लौटने में मदद की है। कोविड 19 को लेकर 27 मई को सड़कों पर उतरेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में जहां एक तरफ कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इसकी वजह से राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीति का होना लाजमी है। इसी क्रम में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के सभी मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक पार्टी कार्यकर्ता 27 मई को विरोध करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के इस माहौल में राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफलता ही हासिल हुई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी सरकार और असफल साबित हुई है। कि पार्टी ने सरकार को कुछ सुझाव देने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए हम सभी ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर कसा तंज। राजद आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों पर टिप्पणी करते रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार की असफलता की वजह से वापस लौटने वाले मजबूर कितने सारे मजदूरों की जान चली गई है और यह ढिंढोरा पिटवा रहे हैं। यही तैयारी अगर पहले की होती तो इतना कुछ बर्बाद नहीं होता। शुरू में अगर ऐसा कदम उठाया होता तो बेवजह मजदूरों को भोगना नहीं पड़ता। जिसके बाद पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण ने कहा है कि विपक्ष को जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं, वह सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुछ भी कह रही है। सहवाग के बेटे को मैदान में उतारने की हो रही है तैयारी। भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज रह चुके वीरेंद्र सहवाग अब भले ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, मगर अपने बेटे को उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो वीरेंद्र सहवाग अपने बेटे आर्यवीर सहवाग को बल्लेबाजी करना सिखा रहे हैं और उसे बल्लेबाज बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वह हर दिन नेट पर प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, जिसका वीडियो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसको खुद आर्यवीर को बल्लेबाजी टिप्स दे रहे थे। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान जारी करते हुए कुछ महीने पहले कहा था कि वह अपने बेटे को विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या हार्दिक पांड्या जैसा शानदार खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुंदन राज, सुजीत कुमार, संजीव कुमार, राकेश कुमार, नरेश ठाकुर, अब्दुल रहीम, पवन यादव, मोहम्मद आलम, लाल बाबू यादव, मंटू कुमार, मुन्नी देवी, पंकज कुमार, सुबोध कुमार, सुरेश सहनी, महेश कुमार, मोहम्मद निजाम, सुनील सदा, पवन कुमार, विकास कुमार गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने में कितनी सफल साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।